हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 4 के मैथ्स यूनिट 4 के वर्कशीट 6 करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ए, द कॉस्ट ऑफ 9 साइकिल इज ₹13,725। 9 साइकिल का कॉस्ट 13,725 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल, तो 1 साइकिल का कॉस्ट ढूंढना है हमें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, इसका स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 9 साइकिल है ₹13,725। तो लिखेंगे ₹13,725। अब कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल, कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल निकालने के लिए हम 13,725 को डिवाइड करेंगे 9 से। तो इसका डिवाइड करते हैं, डिवाइड 9। देखिए, हमारा डिवाइड करके क्वेश्चन आंसर आया है। तो ये 1,525 होगा 1 साइकिल का कॉस्ट। तो लिखेंगे 1,525। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बी, देयर आर इक्वल नंबर स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। हर एक क्लास में इक्वल नंबर के स्टूडेंट्स थे। इन 24 क्लास में देयर आर 1,104 स्टूडेंट। तो 24 क्लासेस में 1,104 स्टूडेंट्स हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच क्लास, तो हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे। देखिए, इसका स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से 1,104। तो नंबर ऑफ क्लासेस 24, नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच क्लास। तो ईच क्लास के स्टूडेंट्स को निकालने के लिए हम 1,100 को 24 को डिवाइड करेंगे 24 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन आया है हमारा, वो आंसर है। तो हर एक क्लास में 46 स्टूडेंट्स होंगे। देखिए, सी नंबर, अ बुक हैज 3,125 पेजेस। एक बुक में 3,125 पेजेस है। रीमा रीड्स 25 पेजेस डेली। रीमा रोज 25 पेजेस पढ़ती है। इन हाउ मेनी डेज विल शी फिनिश इन द शी विल फिनिश द होल बुक। कितने डेज में रीमा पूरे बुक को फिनिश करेगी। देखिए, हम स्टेटमेंट्स को इस तरह से लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 3,125। रीमा रीड्स डेली, तो रीमा 25 पेजेस डेली पढ़ती थी। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द बुक, तो कितने डेज में रीमा रीड करेगी, तो उसके लिए फिनिश करेगी होल बुक को। तो उसके लिए हम इसको 3,125 को 25 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने डिवाइड किया और हमारा आंसर आया 125। तो रीमा 125 डेज में होल बुक को ख़त्म करेगी, पूरे बुक को ख़त्म करेगी। डी, 11,424 कैंडल्स आर पैक्ड इन 24 बॉक्सेस। 11,424 कैंडल्स 24 बॉक्सेस में पैक किए गए हैं। हाउ मेनी कैंडल्स आर देयर इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में कितने कैंडल्स होंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो उसे स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स से 11,424। नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस थे, 24।
एक नंबर ऑफ कर्नल इन ईच बॉक्स। ईच बॉक्स के कर्नल में निकालने के लिए हम 11,424 को 24 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से मैंने डिवाइड किया है, मेरा आंसर आएगा 476। 476 कैंडल्स होंगे एक बॉक्स में। अब ई नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 7,695। टू नंबर्स का प्रोडक्ट 7,695 है। इफ वन ऑफ देम इज 57, अगर उनमें से एक 57 है, फाइंड द अदर, तो दूसरा निकालना है। तो इसका स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर्स का प्रोडक्ट 7,695, वन ऑफ देम, तो उनमें से एक था 57। द अदर नंबर निकालने के लिए हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 7,695 को 57 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं। तो दूसरा नंबर होगा हमारा 135, ये होगा हमारा आंसर। तो 135 आंसर हो जाएगा। तो F, 42 बुक्स कैन फिट ऑन वन सेल्फ ऑफ एन अलमारी। अलमारी के एक सेल्फ में 42 बुक्स फिट हो सकते हैं। हाउ मैनी सेल्फ विल 4,116 बुक्स रिक्वायर। 4,116 बुक्स के लिए कितने सेल्स रिक्वायर करेंगे। ये स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बुक्स है तो 4,116 तो लिखेंगे 4,116। नंबर ऑफ बुक्स इन वन सेल्स के लिए 42। नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड, तो इसलिए हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। 4,116 को 42 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए हमने इस तरह से इसको डिवाइड किया है, हमारा आंसर आएगा 98 सेल्स रिक्वायर करेंगे। इतने बुक्स के लिए तो 98 सेल्स की जरूरत है इतने बुक्स को रखने के लिए। और हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जी, अ 75 मीटर रिबन इज कट इनटू 15 पीसेस ऑफ सेम लेंथ। एक 75 मीटर रिबन 15 पीसेस में कट किया गया एक ही लेंथ में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक पीस में पीस का क्या लेंथ होगा। देखिए इसका स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे, लेंथ ऑफ रिबन, तो रिबन का लेंथ था 75 मीटर, तो नंबर ऑफ पीसेस तो 15। लेंथ ऑफ ईच पीस निकालने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 75 को 15 से। चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए हमारा आंसर आ गया 5, तो हर एक पीस का लेंथ 5 मीटर होगा। तो आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट, यूनिट कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।